नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड एसएससी जेई में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका पार्ट वन है। तो आपका पहला क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर सीज। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर हमें बिल्डिंग का पियर बनाना है तो उसके लिए जो है सबसे अच्छा स्टोन कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर ए है मार्बल, ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर सी सैंडस्टोन या फिर ग्रेनाइट। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके लिए जो हम ग्रेनाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर स्टोन मोह स्केल इज यूज टू डिटरमाइन। तो जो स्टोन के लिए जो हम मोह स्केल जो यूज करते हैं वो किस चीज का निर्धारण करने के लिए करते हैं, टफनेस के लिए, हार्डनेस के लिए, फ्लेकीनेस इंडेक्स के लिए या फिर ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो जो हम मोह स्केल का यूज करते हैं स्टोन में वो करते हैं हार्डनेस को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक शुड बी अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर आपकी जो ब्रिक्स होती है उसका जो है वेट पूछा गया है वो लगभग में कितना होता है, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम, 2050 ग्राम या फिर 3000 ग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट होगा, 3000 ग्राम बराबर 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आपकी बार है वो 10 mm डायमीटर की है तो जो है उसका वेट जो है पर मीटर में कितना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 0.62 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन थिकनेस इज स्पेसिफाइड द हनीकम ब्रिक वर्क इज मेजर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर हमारे पास जो है हनीकॉम ब्रिक हैं और उसकी थिकनेस जो हमें मेजर करनी है, मापनी है, तो हम कैसे मापेंगे। ऑप्शन नंबर ए है रनिंग मीटर, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर या फिर मिलीमीटर। तो हनीकॉम ब्रिक वर्क को जो हम किस में मापेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट ऑफ स्टेयरकेट शुड बी रिस्ट्रिक्ट अप टू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी सीढ़ी की एक फ्लाइट होती है तो उसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम स्टेप की जो संख्या वो जो है वो कितनी होगी, 8, 10, 12 या फिर 20। तो उसमें जो है मैक्सिमम स्टेप की संख्या होगी, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा, 12। अगला क्वेश्चन है रोल्ड बीम्स आर यूज्ड फॉर स्पान। जो रोल्ड बीम होते हैं उनके जो है स्पान का यूज कितना होता है, 35 से 65 मीटर, 1 से 30 मीटर, 66 से 70 मीटर या फिर 80 से 100 मीटर। तो जो आपके रोल बीम होते हैं उनका स्पान जो कितना यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 1 से लेकर 30 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अर्थ को कवर करने में जो है पानी का जो परसेंटेज कितना है, 80%, 76%, 71% या फिर 67%। तो जो पृथ्वी को जो है कितने पानी ने कवर कर रखा है, आपको ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट होगा, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बाय। जो आपके सेप्टिक टैंक होते हैं वो है किससे नहीं बनाए जा सकते हैं, आरसीसी के, मैसनरी के, स्टील के या फिर वुड के। तो जो आपके स्टील टैंक हैं वो जो है आपके वुड को नहीं बनाए जा सकते, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर सेप्टिक टैंक फंक्शन। इसमें से पूछा गया कौन सा फंक्शन जो है वो सेप्टिक टैंक के लिए जो सही नहीं है, लाइम, एलम, काउडंग या फिर सॉप सोल्यूशन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होगा, सॉप सोल्यूशन जो है ये फंक्शन सेप्टिक टैंक के लिए सही नहीं है। द परमिसिबल वैल्यू ऑफ लोकल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M15 सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पर आपको जो है सीमेंट कंक्रीट की ग्रेट जो है M15 दे रखी है और पूछा गया है परमिसिबल वैल्यू आप जो है बॉन्ड स्ट्रेस पूछी गई है वो कितनी होगी। पाँच किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 50 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो M15 ग्रेड के लिए जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेस होगी वो आपकी होगी ऑप्शन नंबर बी 10 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बियरिंग ऑफ लिंटल इज, यहाँ पर लिंटल जो होता है उसकी बियरिंग पूछी गई वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड इन, जो लाइट वेट कंक्रीट होता है उसका यूज जो है हम कहाँ करते हैं, हीट रेजिस्टेंस के लिए या फिर एयर कंडीशनल बिल्डिंग में या फिर नॉन लोड बियरिंग वॉल में या फिर थिकनेस को कम करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा, हम जो लाइट वेट कंक्रीट होती है उसका यूज करते हैं एयर कंडीशनल बिल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड प्रोपोर्शनल ऑफ कंक्रीट फॉर मास कंक्रीट वर्केज। अगर हमें मास कंक्रीट वर्क करना है तो जो आपके सीमेंट कंक्रीट का प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट होगा, 1:4:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4AWBM मैकाडम रोड्स द रिकमेंडेड कैम्बर इज। तो आपकी जो रोड है कौन सी है, WBM है और उसमें जो है रिकमेंडेड कैम्बर पूछा गया है वो कितना होगा, 1:24-26 तक या फिर 1:30-48 तक या 1:60-80 या फिर 85:120। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, जो WBM रोड है उसमें हम कैम्बर देते हैं 1:30-48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द लाइट यूज्ड फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब आपके सर्दियों में कोहरा पड़ता है तो कोहरे में जो है हमें किसी चीज़ को देखने के लिए जो हम किस लाइट का यूज करते हैं, लाल, पीला, हरा या फिर सफ़ेद। तो जो है फॉग में जो हम देखने के लिए हम किस लाइट का यूज करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा, पीला। तो ये आपका झारखंड SSC JEE का जो है Part 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।